ओम शांति। 4 मई 2020 के बाबा के साकार महावाक्य, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इसी बनाओ, तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। प्रश्न। सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? उत्तर। कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है, बच्चे ये भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में हैं, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे, तो ये भी जानते हैं, इनको ये खुशी है कि हम ये बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चों मिसल इसी रहते हैं, घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है, जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम ये बनेंगे, तो तुम बच्चों को ये खुशी अंदर में होनी चाहिए ना, हम ये शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे, सबके लिए पढ़ाई एक ही है। ये भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे, तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, अंत मति सो गति हो जाएगी। बुद्धि में ये निश्चय है हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं, ये बेगर दुनिया ही खत्म होनी है, बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं, श्री बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है, ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना, हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए, राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है तुम्हारे मुख में गुलाब, ये इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का, नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है, इस याद करने में ही मेहनत है, इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, कोई कहते भैंस हूँ तो सचमुच समझने लगा, वे हैं सब फालतू बातें, यहाँ तो रिलीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो, तो बच्चों के उलहने आते हैं हम बेबी हैं? बाबा कहते हाँ बेबी हो, भल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी बेबी है, ये बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहती हैं। इतने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं, वर्षा तो उनसे ही पाना है तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो, ज्ञान में तो भल अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो, कहावत भी है हथ कार दे दिल यार दे, अर्थात हाथों से काम करते बुद्धि वहां लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं
बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है, अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहां चली जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन है। तो भल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं, हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे, बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वे तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए, हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाप राय देंगे, बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है। इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है। काम थोड़ा हल्का हुआ, बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं, अच्छा रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु ये भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते हैं, याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है, आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे। बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे ना, सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है, नॉलेज तो बहुत सहज है, ये भी जानते हैं। यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कोशिश यही करनी है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करना है ये समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी, अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ, बाप युक्तियां बतलाते हैं। चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे, अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। परंतु ये जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, अपने साथ बातें करते रहो, मैं इस पढ़ाई से ये बनता हूँ, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है, बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो, अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है। ये है ही आसुरी दुनिया, वह है दैवी दुनिया, यहाँ सब देह अभिमानी है, अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना, हम आत्मा अविनाशी हैं, ये समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है, देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं, देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो, इसमें है मेहनत। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है, तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म हैं। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म हैं। करेक्ट कर लिखना होता है,
बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है, उस पढ़ाई में भी नंबर वार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पगार अर्थात पैसा भी कम मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा पास आए हो सच्ची सच्ची नर्स से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहां तहां मिलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। अरे ये ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं, अगर वहां ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 तक, इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना रचता और रचना का, मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ। तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग किसके साथ ये भी लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी बेटी है ना, बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सबकी ये एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भला क्या भी बोलते रहें, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? आपको याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूंछते क्यों हो, दिल होल क्यों होते हो कि सभी थोड़े ही राजाएं बनेंगे? ये ख्याल आया, फेल हुआ। स्कूल में बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़े ही बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16108 की सारी माला है, पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी हमें ये पुराना शरीर छोड़ घर जाना है, ये भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक बाप। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे सो भी अबाउट कहा जाता है। सत्युग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना, ये राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सत्युग में बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल, नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, ये भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। ये खांसी आदि होती है, ये कर्म भोग है, ये पुरानी जुत्ती है, नई तो यहाँ मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, ना कोई गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे
पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है, ये संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है, इसलिए बाबा बेबी कहते हैं, बेबी पना दिखाते हैं, कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बेबी कहेंगे ना, तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो, मीठे ते मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का बेलव्ड मोस्ट, उनको भूल जाते हो, आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो, हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हूँ, अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, धर्म की वृद्धि तो होती है ना, अरविंद घोष का मिसाल, आज उनके कितने सेंटर्स हैं, अभी तुम जानते हो, वे सब हैं भक्ति मार्ग, अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की ये नॉलेज है, तुम मनुष्य से देवता बनते हो, बाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं, उनकी ही महिमा है, मुख्य है याद, नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो, याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, फिर ये भागे, ये श्री बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो, बाप कहते हैं मैं आया हूँ, काम चिता से उतार तुमको, अब योग चिता पर बिठाता हूँ, योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है, कभी दिल होल अर्थात दिल शिकस्त नहीं बनना है, ये ख्याल कभी न आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। दूसरा, मोस्ट बिलव्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है, याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान, एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना, एकता की एक उंगली ही सहयोग की निशानी दिखाई है, और एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प स्थिति द्वारा ही सफलता गले का हार बन जाती है। लेकिन इसके लिए सदा यही स्लोगन याद रहे कि न समस्या स्वरूप बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। स्लोगन, बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। ओम शांति।